एक छोटे से गांव में एक किसान देवधर रहता था। वह अपनी खेती का कार्य बड़ी मेहनत और दिल लगाकर करता था, परंतु वह अत्यंत लालची था। वह हर समय धन में सोने के सिक्कों के सपने देखा करता था। कि एक पत्नी थी जिसका नाम यशोदा था। उसकी भगवान में बहुत आस्था थी और वह भगवान से हर समय यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे पति के धन के लालच को कम रखना, वह हर प्रकार से मेरे परिवार की रक्षा करना। देवधर व यशोदा का एक पुत्र रोहन था। वह देवधर व यशोदा को अत्यंत प्रिय था। रोहन एक चतुर परंतु शरारती लड़का था। देवधर अपना कार्य अत्यंत मेहनत से करता था, परंतु धन व सोने के सिक्कों का लालच उसके मन व मस्तिष्क में हरदम रहता था। देवधर सुबह जाकर शाम को अपने घर आता था। मैं घर आ गया यशोदा। अरे आ गए हैं आप, ये लो आपकी चाय। धन का लालच देवधर के मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। अरे अरे संभलिए। एक दिन गांव में सुबह से ही वर्षा हो रही थी, परंतु देवधर सुबह सुबह ही अपने खेत के लिए निकल गया। देवधर बारिश में जल्दी जल्दी खेत की ओर जा रहा था। वह खेत पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वहां पर एक सुंदर सी स्त्री थी जिसके बाल पेड़ में फंसे हुए थे। देवधर बहुत हैरान था और वह बोला, आप कौन है देवी और आप यहाँ कैसे? आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें, मैं आपको जो चाहोगे वह वरदान दूंगी। देवधर के मन में धन का लालच बहुत था। देवधर बोला, अगर तुम दे सकती हो तो मुझे यह वरदान दो कि मैं जिसे छू दूं वह सोने की हो जाए। ठीक है जल्दी करो। देवधर ने उसे तुरंत खोल दिया। अब आपकी बारी, एक बार फिर सोच लो। नहीं, जो आपने कहा वह पूरा कीजिए। ठीक है फिर ये लो। चलो देखते हैं यह वरदान। देवधर अपने खेत पहुंचा। उसने जैसे ही अपनी कुदाल उठाई वह सोने की हो गई। देवधर बहुत खुश हुआ। देवधर अपने घर की ओर जा रहा था। उसने रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसने उस पत्थर को छुआ और वह पत्थर भी सोने का हो गया और देवधर खुशी से हंसने लगा। देवधर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? तो फिर ये देखो। अरे ये तो चमत्कार है। देवधर थोड़ी देर के लिए सो गया और अपने बड़े बड़े घरों के सपने देखने लगा। तभी उसका पुत्र रोहन वहां पर आ गया। अरे ये स्टूल सोने का कैसे हो गया? पापा उठो। अरे मेरे प्यारे बेटे, कहाँ थे अब तक तुम? पापा ये स्टूल सोने का कैसे हो गया? ये तुम्हारे पापा के हाथों का चमत्कार है बेटे, चमत्कार। तो फिर अब मेरा चमत्कार देखो पापा। हे हा हे हा हे हा।
तुम्हें क्या हो गया बेटे, तुम कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं? तुम पहले जैसे जल्दी से हो जाओ। वह तुरंत भागकर उसी जगह की ओर भागा जिस जगह उसे वह स्त्री मिली थी। वह निराशा से जल्दी जल्दी जा रहा था। वह खेत पर पहुंचा और वह ऊपर की ओर देखकर बोला, अरे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे लालच ने ही मेरे बेटे को खा लिया। अब मैं क्या करूं प्रभु, रास्ता दिखाएं। देवधर, यह सब तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम भोग रहे हो। जो तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वह सब तुम्हारे कर्म है। तुमने हमारे फरिश्ते को भी नहीं छोड़ा, उससे भी छुड़ाने के लिए तुमने घूस के तौर पर यह चीज मांगी, यही तुम भोग रहे हो। देवधर अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसका पुत्र रोहन बिल्कुल सही हो गया था। अरे बेटे, तुम तो सही हो गए, इस चमत्कार कैसे हो गया? पापा, आपके जाते ही मैं बिल्कुल सही हो गया था। अब मैं समझ गया, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। भगवान ने ये मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। अब मैं कभी भी जीवन में लालच नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें देवदर की तरह अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अन्यथा हम भी देवदर की तरह विकट कठिनाई में पड़ सकते हैं।